हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू डिज़ाइन तोरण लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 3 कलर के ऊन का यूज़ किया है। ये मैंने 4 प्लाई ऊन से बिना है और 5 नंबर के क्रोशिए से बिना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले हम 7 चैन लेंगे। एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 15 चैन, सातवें चैन में हम एक डबल क्रोशिया देंगे, पलटेंगे, 5 चैन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें हम, 1, 2 और ये 3, फिर 3 चैन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3, फिर 4 चैन लेंगे, चौथे घर में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर 4 चैन, पलटेंगे इसे, इसमें 3 डबल क्रोशिया हम देंगे, फिर 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम 5 चैन लेंगे, पलटेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स, फिर हम 8 चैन लेंगे, फिर से वही डिजाइन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए 5 चैन लेंगे, पलटेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स, फिर 4 चैन लेंगे, बीच में हम सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर से 4 चैन, फिर वही डिजाइन रिपीट करेंगे, ये देखिए 3 चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन लेंगे, 1, 2 तीसरे चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए 5 चैन लेंगे, पलटेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन लेंगे और वही रिपीट करेंगे डिजाइन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए फ्रेंड्स, फिर ये वाली डिजाइन बनाएंगे, 8 चैन लेंगे, फिर वही डिजाइन हम बनाएंगे, पलटेंगे, ये वाली डिजाइन बनाएंगे हम, फिर से 4 चैन, सिंगल क्रोशिया, 4 चैन,
फिर वो वाली डिजाइन तीन डबल क्रोशिया वाली रिपीट करेंगे, फिर तीन चैन, एक डबल क्रोशिया, तीन चैन, एक डबल क्रोशिया, इसी तरह हम यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए, फिर पांच चैन लेंगे, पलटेंगे, एक डबल क्रोशिया, तीन चैन, फिर से डबल क्रोशिया, यहाँ तक बनाएंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले एक थी, फिर दो हुई, तीन हुई, चार हुई, फिर पांच, इसी तरह जब तक हमारी 14 ना हो जाए ये डिजाइन, तब तक हम बनाएंगे इसे इसी तरह, और पट्टी उसी तरह बीनते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, यहाँ पे हमने पांच चैन लिया है। फिर वही डिजाइन हम रिपीट करेंगे, तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया, फिर चार चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर चार चैन, ये देखिए सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर चार चैन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पांच चैन लेंगे, पलटेंगे, फिर से उसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। ये देखिए, फिर आठ चैन लेके नेक्स्ट वाली में डिजाइन रिपीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक है इसको हम गैप छोड़ेंगे, इसको ये वाली डिजाइन जो है, जो एक घर से हमने चालू किया था, ऊपर बुनेंगे, पांच चैन लेंगे, पलटेंगे, फिर वही डिजाइन रिपीट करेंगे हम। यहां तक कंप्लीट करेंगे, ये देखिए पलटेंगे, इसके बाद हम ये वाली डिजाइन फिर रिपीट करेंगे यहां तक। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे का डिजाइन बुनेंगे, तीन चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, एक डबल क्रोशिया, पलटेंगे, पांच चैन लेंगे, ये देखिए, फिर तीन चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन, तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह ये वाली डिजाइन जो है यहाँ पर बनी हुई है, और उसके बाद जैसे हमने बनाया है पूरा डिजाइन, फिर इधर भी बनाएंगे, और जितनी बड़ी तोरण पट्टी की ज़रूरत है हम उतनी बड़ी बनाएंगे। यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे अपने। अब हम छह चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे, तीन चैन, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह एक पंखुड़ी हमारी तैयार हो गई। अब हम दो चैन लेंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन, सिंगल क्रोशिया,
इस तरह से हम पांच डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम 10 चेन लेंगे। सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर 10 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया देंगे, इस तरह सभी में कंप्लीट करेंगे हम। हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, तीन चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर से नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम सभी में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले चैन में हम सिंगल क्रोशिया देंगे, 11 चैन लेंगे, नेक्स्ट वाली में हम सिंगल क्रोशिया देंगे, ये देखिए, फिर से 11 चैन लेंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम सभी को कंप्लीट करेंगे। अब हम इन चैन में सिंगल क्रोशिया देंगे, 3 चैन लेंगे, यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9, 3 चैन सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, सभी में 9-9 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 12 चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे, इस तरह से हम 12 चैन लेके सभी में करेंगे। ये देखिए, फिर इन चैन में हम सिंगल क्रोशिया देंगे, 3 चैन लेकर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन और 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन देकर सिंगल क्रोशिया देंगे, सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से हम सभी पंखुड़ियों को रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह फ्लावर हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम अपनी ऊन को कट करेंगे। अब हम ग्रीन ऊन अटैच करेंगे। बारह चैन देंगे,
सिंगल क्रोशिया देंगे। फिर 12 चैन देंगे। पंखुड़ी के बीच में हम सिंगल क्रोशिया देंगे। फिर से 12 चैन देंगे और इस पंखुड़ी के लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया देंगे। ये देखिए, इस तरह हमने 3 घर तैयार किए हैं। पलटेंगे, चैन में हम सिंगल क्रोशिया देंगे, 3 चैन लेंगे। यहाँ पे हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर नेक्स्ट वाली में 12 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली में 12 डबल क्रोशिया, 1 चैन 1 छोर दूसरे में सिंगल क्रोशिया देंगे। इस तरह सभी डबल क्रोशियाओं में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखिए, लास्ट वाली में भी बुनेंगे। पलटेंगे, 1 चैन लेंगे, 1 छोर दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया देंगे। दोनों तरफ से एक एक सिंगल क्रोशिया हम छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, फिर पलटेंगे, 1 चैन लेंगे, 1 छोर दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया देंगे। फिर पलटेंगे, 1 छोर दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया देंगे। इस तरह से हम एक एक घर दोनों तरफ छोड़ के इस पत्ती को कंप्लीट करेंगे। अब हम 1 चैन 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन 1 सिंगल क्रोशिया देते हुए नीचे उतरेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट वाला पत्ता बनाने के लिए अब हम सिंगल क्रोशिया देना स्टार्ट करेंगे। यहां तक बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे। ये देखिए, पलटेंगे, 1 चैन लेंगे, 1 घर छोड़ दूसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाई है उसी तरह से सेम इस पत्ते को भी तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों पत्ते तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे और व्हाइट कलर का ऊन हम ज्वाइन करेंगे तीसरे घर में। पांच चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे और एक रिंग तैयार करेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर 5 चैन लेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर 5 चैन लेंगे और यहाँ भी एक रिंग तैयार करेंगे।
चैन सिंगल क्रोशिया देकर हम एक रिंग तैयार करेंगे, ये देखिए। फिर 5 चैन, बीच में ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी 5 चैन देकर एक रिंग तैयार करेंगे। फिर एक यहाँ और एक यहाँ बनाएंगे, ये देखिए 5 बनाएंगे हमने। इधर से हमने ऊन कट किया, फिर इधर से हम बुनेंगे। व्हाइट कलर के ऊन को फिर से अटैच करेंगे। इस रिंग में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन, और एक स्लिप स्टिच देंगे, ये देखिए। फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, 3 चैन, एक स्लिप स्टिच देंगे, ये देखिए। इस तरह से हम टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 7 हैं। अब ये जो 5 चैन दी थी हमने, उसमें दूसरे चैन में इसे हम अटैच कर देंगे। फिर एक और सिंगल क्रोशिया लेंगे नेक्स्ट चैन में, और फिर ये वाली रिंग में हम बुनना चालू करेंगे। डबल क्रोशिया देंगे, 3 चैन, एक स्लिप स्टिच देंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, 3 चैन, एक स्लिप स्टिच देंगे, ये देखिए। इधर भी हम उसी तरह 7 पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे चैन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में भी सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम 5वें रिंग में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे ऊन को कट करेंगे। अब हम येलो ऊन से अपनी तोरण पट्टी को डेकोरेट करेंगे। पांच चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर 5 चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे, ये देखिए। अब ये 5 चैन की जो होल है, उसमें हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 चैन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें टोटल हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर नेक्स्ट वाली में 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2, 3, ये 10 डबल क्रोशिया है टोटल। सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर इसी तरह नेक्स्ट वाली में बुनेंगे। 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम तोरण पट्टी के पूरे ऊपर में बनाएंगे। और अब इधर हम 5 चैन सिंगल क्रोशिया, 5 चैन सिंगल क्रोशिया देंगे, 5 चैन,
एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक बनाएंगे जैसे इधर हमने बनाई है। फिर पांच चैन लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया देंगे, फिर पांच चैन लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया देंगे, पांच चैन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरे में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ भी पांच चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया देंगे, ये कंप्लीट हो गई। अब धागे को कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको जितनी बड़ी तौर पट्टी की जरूरत है आप उतनी बनाएं। अब इस फ्लावर को हम यहाँ अटैच करेंगे। पलटेंगे और अंदर अंदर से सिलाई करेंगे, एकदम हल्के हाथों से। यहाँ पे अब हम धागे को कट करेंगे। यहाँ सुई की सहायता से ऊन को पार कर कर पीछे से हम गांठ लगा देंगे, अच्छे से गांठ लगाएंगे, कट करेंगे और इस तरह हम यहाँ और यहाँ इसे भी कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम यहाँ भी फूल को अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तोरण हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ मोतियों से मैंने इसे डेकोरेट किया है। बीच में 11 मोती और साइड साइड में 9 मोती लिए हैं, इधर भी और इधर भी। और फूल को मैंने गोल्डन मोती से डेकोरेट किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगा आपको ये तोरण ज़रूर बताइएगा। Bye.